अखिलेश सर का यहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट है मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, रियली हैट्स ऑफ अखिलेश जी, उन्होंने जो मेहनत करके ये लाया है आईफा अवार्ड इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी, तो इट्स रियली मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरी खुशी की कोई सीमा ही नहीं है एंड इट्स रियली अखिलेश जी का ये काम रियली हम लोगों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया उन्होंने जिसके लिए हम कुछ एक अचीवमेंट ले सकते हैं, तो इट्स अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म फॉर हमारे लिए। हाँ, मैं हमारा ब्रांड है युक्ता डिज़ाइनर स्टूडियो, जहाँ हम ब्राइडल वेयर, लहंगा और हर कुछ शादी से कनेक्टेड जो भी चीज़ें हम बनाते हैं, प्लस हम सेलिब्रिटी के लिए भी डिज़ाइन करते हैं, वी आर सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट ऑल्सो, और हम लोग काफ़ी गारमेंट, हमारा इंस्टा पे पेज है जिसमें आप फॉलो कर सकते हैं युक्ता डिज़ाइनर स्टूडियो, ब्राइडल, ग्रूम, साइडल, हल्दी, कार्निवल, जो भी आउटफिट हम बनाते हैं। थैंक यू। मेरा नाम है नैना छाबरा सोने और मुझे इतना प्यारा IIFA अवार्ड मिला है, द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू अखिलेश जी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे इस काबिल समझा कि मुझे ये अवार्ड मिला। हाँ, अभी फ़िलहाल मेरी एक एल्बम आ रही है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं बिहार पटना से हूँ और अखिलेश सर को मैं तहे दिल से थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आज वो नहीं होते तो इतना अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज नहीं होता, और मैं बहुत काफ़ी खुश हूँ और मैं मिस पटना 2017 का और भोजपुरी मूवी में मैंने काम किया। थैंक यू आप लोग। बिल्कुल है, फुल लाइफ क्या वरुण धवन, वरुण धवन, वरुण धवन, आलिया भट्ट। थैंक यू। फरीक है, मैं H&M डिज़ाइन से हूँ और हम लोग नेचुरल डायमंड ज्वेलरी बनाते हैं, हमारी स्पेशलिटी है कि हम लाइट वेट ज्वेलरी बनाते हैं विच इज़ बजट फ्रेंडली और अफोर्डेबल ज्वेलरी है। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि लैब ग्रोन डायमंड्स लेना सही है कि नहीं, मैं डिनाई नहीं करूँगी, लैब ग्रोन डायमंड्स भी ले सकते हैं, बट लैब ग्रोन लैब में बना हुआ है और हम रियल नेचुरल डायमंड्स में करते हैं जो माइंस में बनता है, सो ऑलवेज जो चीज़ रेयर है उसकी वैल्यू ज़्यादा ही है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप रियल डायमंड लें और ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, H&M डिज़ाइंस करके आप सर्च मार सकते हैं, हमारा इंस्टा पेज भी है, आप डिज़ाइंस भी दे सकते हैं, हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमको बताइए कि आपको हमारी डिज़ाइंस कैसी लगी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक्टर को मोटिवेशन मिलता है जब उनको अवार्ड मिलता है आफ्टर सो मच मेहनत, सो आई वुड लाइक टू थैंक द एकेडमी IIFA अवार्ड्स एंड अखिलेश जी जिन्होंने एक्टर्स के बारे में सोचा और हमारी मोटिवेशन के लिए कुछ इस तरह से अवार्ड फंक्शंस एंड इवेंट्स तैयार किए, सो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट। आई थिंक ये उनका फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सीजन है, तो और मैं फर्स्ट सीजन का हिस्सा हूँ, तो मैनी मोर टू कम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में मेरा एक शो आया है विच इज़ तेरा इश्क मेरा फितूर ऑन द OTT प्लेटफॉर्म, और अभी एक हफ्ते पहले ही सारे एपिसोड्स रिलीज हुए हैं, सो आई एम काइंड ऑफ इन्जॉइंग द सक्सेस, जो फैंस से रिस्पॉन्स मिला है इट इज़ क्वाइट ओवरवेलमिंग, सो आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट, एंड अभी देखिए क्या होता है। जैसे कि मैंने स्टेज पे भी कहा, अवार्ड एक रिवॉर्ड की तरह होता है, एक्टर की कला को पहचाना जाए, उसे मंच दिया जाए, लोग उसे प्यार करें, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, सो फील प्राउड और ब्लेस्ड। थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अखिलेश सर, आपने मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं ममता प्रसाद छत्तीसगढ़ से आई हूँ और मुझे इस साल आईफा बेस्ट दादा साहब फाल्के अवार्ड, बेस्ट मॉडल आइकॉनिक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है,
और इसके लिए सबसे पहले मैं अपनी फैमिली, मेरे हब्बी जिन्होंने मुझे पंख दिया उड़ने के लिए, आज मैं उड़ के यहाँ आई हूँ, मेरे बच्चे जो मुझे इतना प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और मेरे पूरे फैंस जिन्होंने मेरा साथ दिया, इन सबको बहुत बहुत थैंक यू। साथ में मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मम्मी पापा, सबने मुझे ब्लेस किया है, मैं यहाँ आई हूँ, और ऐसे ही आप सबका आशीर्वाद बने रहे, मेरे छत्तीसगढ़ का आशीर्वाद बने रहे, और मैं ऐसे बड़े बड़े मंच पे आऊँ और आप सबके सामने ऐसे बड़े बड़े अवार्ड लूँ। थैंक यू अखिलेश सर, थैंक यू ऑल टीम, थैंक यू मीडिया। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, और मुझे ये मिला है बेस्ट एक्ट्रेस और फैशन मॉडल का। सो मैं सभी यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं, सबको एक ही बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप मेहनत करते हो और दिल से करते हो तो आप एक दिन जरूर सफल होते हो अपने फील्ड में। सो थैंक यू सो मच, और एनसीपी लीडर मुंबई अध्यक्ष अजित पवार, ग्रुप चित्रपट कला साहित्य संस्कृति, आज ये सब लोगों को नवाजा गया है प्राइस की तरफ से। मैं चाहती हूँ ऐसा ही जोश हर कलाकार में पैदा हो, और जिसकी शुरुआत हम लोगों से हुई है, और अखिलेश जी को बहुत सारी खूब सारी बधाई देते हुए एवरीबडी बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। अच्छा परी खड़े रहे तो चले जाने, चले बैठ के। अच्छा तो आज मुझे बहुत बड़ी खुशी हो गई, ये मेरा तीसरा अवार्ड है, और वैसे ही मैंने इंटरनेशनल लेवल के 3 अवार्ड फैशन शो किए, दुबई में मिस सीनियर्स, थाईलैंड में आइकॉन मिस वर्ल्ड, तसेज मिसेस इंडिया, मिसेस महाराष्ट्र, मिसेस विदर्भ, सब तरह से मैं जीत चुकी हूँ। पंखा तरह से पंछी बनू उड़ती फुरु मस्ता गगन में, पंछी की तरह उड़ने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तसे एक्टर हूँ, मॉडल हूँ, और गायिका सिंगर भी हूँ, तो पिक्चर में भी काम किया है, तो एक्टर और मॉडल का मुझे ये मिला है, बस इसने ऐसी भराई लेना है पक्षी जैसे आकाश में घूम। Hi everyone, this is me, Alfine Khan. So basically I'm the owner of Alf Fragrance, which is a perfume brand, and we have approximately like 1500 plus fragrances with us, and with a premium superior premium quality for lasting for about 72 hours. And I'm extremely happy that I have received such prestigious award, and all thanks to you all and obviously Akhilesh sir for thinking that my fragrances deserve this. So I'm extremely happy. Right, so in our fragrance brand, we have like all the types of notes, from sweet to spicy and from musk to oud. We have it all. We are also popular and known for customization of fragrances, and we are also available on Amazon, so you all can definitely check it out. Thank you so much. Thank you. Actually mera naam Saurabh Gadia, main proper Shriampur se hu, Shirdi ke paas mera shehar hai. Main lawyer hu profession se, aur modeling mera ek passion hai. Wo passion pura karne ke liye मैंने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया था, पिजन शोज़ में हिस्सा लिया था। मैं अभी रिसेंटली मिस्टर इंडिया वोन किया हूँ, मिस्टर इंडिया जीता हूँ मैं 2023-2024 का, और ये अवार्ड मेरे को बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर के लिए ही मिला है। उसके लिए मैं पीयू जी का बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ, दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ उनके लिए, एंड थैंक यू फॉर दिस अवार्ड। जय श्री राम, जय मल्हार, श्री स्वामी मल्हारी। माझं नाव डॉक्टर गौरव पोपट घोडे, आणि आज जो आयफा अवॉर्ड आम्हाला दिला आहे त्याकरता आम्ही सगळ्या मान्यवरांचं आभार व्यक्त करतो, धन्यवाद। श्री स्वामी मल्हारी प्रतिष्ठान हे गुरुवर्य घोडे भाऊ यांच्या पाठबळामुळे होतं आहे, आणि खंडरायाच्या कृपा आशीर्वादामुळे होतं आहे। आम्ही जे प्राचीन मंदिरं, जे तुटलेली मंदिरं, मूर्त्या भंग झालेल्या आहेत, त्यांना रिनोव्हेशनचा सेवा करतो, जिथे देव करून घेतो, परमेश्वर करून घेतो, आम्ही नाही काय करत। आणि जिथे अन्न छत्र वगैरे आमच्या श्री स्वामी मल्हारी प्रतिष्ठानाचे चालू आहेत, आणि आणखीन आम्ही महाराष्ट्रामध्ये आणि महाराष्ट्राच्या बाहेरील
जी मंदिरं आहेत जी भंग झालेली आहेत त्यांची डागडुजी करेन, आमच्या प्रतिष्ठानच्या वतीने करेन, आणि जे पुरातत्व खाते आहे त्या पुरातत्व खात्याने जातीने लक्ष या मंदिरांकडे दिले पाहिजे, कारण की आपली हिंदू संस्कृती ही जपली पाहिजे, भंग नाही झाली पाहिजे. मी एवढीच पुरातत्व खात्यांना आणि सरकारला विनंती करतो, जे प्राचीन मंदिरं आहेत त्यांची डागडुजीकरण करा, मंदिरं डेव्हलप करा, म्हणजे ते कार्य आम्ही करतो श्री स्वामी मल्लारी प्रतिष्ठानाच्या वतीने. जय मल्लार, श्री स्वामी मल्लारी. मुझे अवार्ड मिलने की बहुत खुशी है और ये अवार्ड मुझे प्रिया प्रजापति मैम की वजह से मिला है और ये मेरे लाइफ का बहुत बेस्ट अवार्ड है. इसके पहले भी मैं मिसेस महाराष्ट्र में विनर हो चुकी हूँ मिसेस फोटोजेनिक फेस के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे अवार्ड मुझे आगे भी और मिलते जाए. थैंक यू. और आई हैव बीन ऑनर्ड विद एन अवार्ड ऑफ बेस्ट प्लेबैक सिंगर ऑफ द ईयर, व्हिच इज एन प्रिविलेज कि आज अखिलेश जी ने इस अवार्ड्स का आयोजन किया है, वेर इन सेलिब्रिटीज़ के साथ हम सारे एस्पायरिंग आर्टिस्टों को भी एक मौका मिल रहा है टू गेट लर्निंग फ्रॉम ऑल द एक्टर्स. और बस दिस इज़ द वे इट शुड बी द इंस्पिरेशन. और अखिलेश जी को बहुत बहुत थैंक्स है कि उन्होंने इस अवार्ड का आयोजन किया. बस दैट्स व्हाट आई वुड से कि भाई वी ऑल आर इक्वली हैप्पी टू हैव बीन एसोसिएटेड विद सच अ ग्रेसफुल अवार्ड दैट इज IIFA, दैट्स आई इंस्पायर फ्रॉम एक्टर्स अवार्ड. थैंक यू. ऑर्गेनाइजर के साथ एक जर्नलिस्ट भी हूँ और मेरे काफ़ी सारे प्रोफेशंस हैं, लाइक क्या कहते हैं एल्बम साउंड ट्रैक करवाना और भी अदर्स प्रोफेशन है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगी, और मैगजीन शूट करवाना, फ्लिपकार्ट अमेजोन शूट्स करवाना. और थैंक यू अखिलेश सर इस अवार्ड के लिए, ICC कंटेंट क्रिएटर के लिए. थैंक यू सो मच. ये अवार्ड मैं अपने माता पिता को डेडिकेट करना चाहूँगी. थैंक यू सो मच. मुझे आज बहुत खुशी हो रही है अवार्ड्स लेके, और ये अवार्ड्स जिसकी वजह से मुझे मिला है वो प्रिया प्रजापति मैम को मैं पहले तो थैंक्स बोलूँगी और बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपकी वजह से मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिला है. और सबसे पहले मैं मेरे फैमिली को भी थैंक्स बोलूँगी जिनके सपोर्ट की वजह से मैं आज इधर तक पहुँची हूँ. मैं नासिक से हूँ, मैं मॉडल और एक्ट्रेस हूँ. मैंने 2024 का मिसेस इंडिया का और मिसेस यूनिवर्स का टाइटल भी लिया है, तो थैंक यू सो मच अवार्ड्स मिलने की वजह से, जिनके वजह से मुझे इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली. थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच माई ऑल फैमिली फॉर रिकॉग्नाइजिंग मी एज दी बेस्ट वर्सटाइल ट्रेनर और एन एक्टर दो, एंड आई डू अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स इन कॉर्पोरेट. I would like to send out this message to all the people who are starting their journey as coaches in the industry, that what you need to do is learn with all your heart and move on with a positive state of mind, because positivity can really move mountains. Thank you so much everyone, and all the family members and Akhilesh ji for organizing such a wonderful event. Thank you so much once again. इसमें आएगी ना, उसमें आएगी. सो हेलो गाइस, माय नेम प्रथमदीप सिंह, आई लिव इन फरीदाबाद एंड माय टाइटल इज IIFA अवार्ड 2024 इन गोस्वामी. तो थैंक यू सो मच कि आप सबने इतना प्यार दिया तो मैं यहाँ तक आया, और मेरा खुद का चैनल है टैलेंट मॉडल एजेंसी सब है हमारी, और मैं इंडिया टॉप मॉडल विनर रह चुका हूँ. ओके गाइस, थैंक यू. As a model, and as well as I'm a makeup artist, so I do pageant shows and there I do models makeup, and I was crowned there. Here I got IIFA award. It's a prestigious award, Dada Sahib IIFA award, national international award, and AVR international AVR film production award, and this one is the ICC award. I'm really thankful to my God, my family support. It's really a big achievement and I'm really happy. Thank you so much. नमस्कार, मेरा नाम प्रीति श्रीवास्तव है और मैं देवदूत वानर सेना की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ. हमारी संस्था पूरे देश में है और बाहर में 25 देशों में भी हमारे सारे मेंबर्स हैं. हम लोग 40,000 एक्टिव मेंबर्स हैं जो कि हम लोग
कोविड काल से ही अभी तक काम कर रहे हैं और ये अवार्ड मेरे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आप काम करते हैं अगर उसके लिए रिकग्निशन मिलता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवार्ड देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जिस सेवा भाव के कारण ये अवार्ड मिला है वो सेवा भाव हमेशा बना रहे और मैं लोगों की सेवा करती रहूँ। बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार, मी शिल्पा शाहीर। आज मला आयफा अवॉर्डने सन्मानित केलेला आहे। खरंच खूप 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 मला आनंद होत आहे। मी माझ्या गुरुजनांचे खूप खूप आभार मानते, त्यांच्यामुळे मी आज इथपर्यंत पोहोचलेले आहे। तेच डॉक्टर नरेश कडेकर सर, आसावरी ताई, माझी आई जी आजही माझ्यासोबत आलेली आहे आणि नेहमी माझ्यासोबत राहते, तिचीसुद्धा आभार मानते, आणि माझे हसबंड, माझी फॅमिली ज्यांच्यामुळे मी आज इथपर्यंत पोहोचलेली आहे। मी विदर्भामध्ये लावणीचे कार्यक्रम करीत असते, माझी डान्स अकॅडमी आहे आणि मी इव्हेंट ऑर्गनाईजसुद्धा करते। खरंच आज खूप आनंद होत आहे। थँक्यू सो मच। येस नमस्ते, I'm Dr. Suraina Malhotra and I've got this award as the best creative director and screenplay and dialogue writer. So thank you so much. Thanks for getting this IFA award, and I would like to thank Akhilesh ji for always having such nice award functions, and that always like helps the people to bring out their talent, and then talent is acknowledged and that brings a great surge of positivity in us. So thank you so much, and I am also into politics, Nationalist Congress Party, Sharad Chandra Pawar. I am the national president of All India IT Cell and social media. So it's really great always to come here, be, take the award or be the judge for his events. Thank you so much. Thanks a lot. Tarot card reader hu aur maine Prem Iman book likha hai. I love Salman Khan aur main unko bahut manti hu, main unko maan bolti hu. और टैरो रीडिंग करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि टैरो जो है वो हमको डे टू डे एक्टिविटीज़ बताता है सारा कुछ। एक इन्फॉर्मेशन ये बोलना चाहती हूँ कि जो नाम है, जैसे मान का उल्टा करेंगे तो नाम आता है, तो नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। जब हम किसी का भी रखते हैं नाम, चाहे कोई भी चीज़ का नाम, हम बच्चे का है, तो नाम को हमेशा अच्छे से रखना चाहिए। एंड थैंक यू टू महेश जी, अतुल जी, अखिलेश जी एंड और दादा साहब अवार्ड जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। और मुझे कभी ये मैं सोची नहीं थी कि मैं ये अवार्ड मुझे मिलेगा और ये अनएक्सपेक्टेड था। वो तो महेश जी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी तो मैं आज यहाँ हूँ। और थैंक यू सो मच, एंड प्रोग्राम इज़ वंडरफुल एंड आई लाइक इट वेरी मच। थैंक यू। आई एम डॉक्टर प्रवीण हिरेमठ फ्रॉम World Human Rights Council, Anti-Corruption Cell, National President, and I'm so happy to be here at the part of the cine industry people. Itne sab log the, kyunki sab actors ko pehchante hain, lekin parde ke piche jo social work karte hain unko koi bhi nahi pehchan paya. Lekin aaj cine industry ne hame pehchan ke hame is taraf leke aaye hain, kyunki bahut logo ko jab hum rescue karte hain, social work karte hain, koi bhi hame nahi pehchanta. Aur ye character ko ye award mujhe mila hai, दादा साहब पालके अवार्ड का और आईपा का अवार्ड मुझे मिला है, इसलिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा अखिलेश सिंह जी को जिन्होंने हमें इसको रिकॉग्नाइज करके हमें दिया है। मैं सबको आने वाले दिनों में मैं ये कहना चाहूँगा, व्हाट आई वांटेड टू एनकरेज यू दैट इज एवरीवन डोंट गो बिहाइंड द अवार्ड बट डू योर वर्क, द अवार्ड विल कम बिहाइंड यू। नान कर्नाटकदिंद बंदिदेने, बेळगाम दिंद बंदिदेने, सो नान एल्लरिगू वंदे हेळोदु, ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿರಿ, ಸೇವೆ ಮಾಡಿರಿ, ಸೇವೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತಂತ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆದರೆ ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. सबसे पहले तो मैं सबको नमस्ते बोलती हूँ, और मेरा नाम मानसी सिंह है, मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, और ये अवार्ड जो है मेरे लिए बहुत कुछ है। एंड ये अवार्ड मुझे मॉडल्स एंड बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिला हुआ है, एंड थैंक्स टू ऑल एंड थैंक्स टू। और ये अवार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहाँ पर और भी लोगों को आने की ज़रूरत है, तो ये अवार्ड जो मिला है इससे बहुत सारा मोटिवेशन भी मिला है उसके साथ में, और मैं आगे और भी बहुत अच्छा करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
जी मुझे तो बहुत अच्छा लगा और ऑडियंस की तरफ से भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया। आप बताइए आपको इवेंट कैसा लगा? रिस्पांस तो बहुत अच्छा, तो इवेंट बहुत अच्छा हुआ बिकॉज हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज आए थे, ज्योति जी, हिमानी जी और स्नेहा उलाल, तो सेलिब्रिटीज़ बहुत उन्होंने दुआएं दी बिकॉज ये आइफा का फर्स्ट सीज़न है, पहली बार हो रहा है, सो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा और उनकी तरफ से भी बहुत विशेष आई, तो सेलिब्रिटीज़ हैप्पी है तो वी आर ऑल्सो हैप्पी कि अच्छा हुआ। वेलकम। आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक गॉड एंड SK एंड PU प्रोडक्शन, थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज माई फर्स्ट अवार्ड, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। बोल के रोल करना और पूछो, कौन पूछ रहा है, क्या है? आज का अवार्ड शो बहुत ही सक्सेसफुल रहा, ग्रैंड रहा, थैंक यू सो मच, बहुत लोग आए, स्नेहा उल्लाल खास करके आई यहाँ पे, और हिमानी शिवपुरी जी थी, उर्वशी उपाध्याय जी थी, वो ज्योति गाबा जी थे, और हिमांगी अपना शिवांगी वर्मा थी, संजय गगनानी था, विजय बदलानी थे, बहुत सारे सेलिब्रिटी थे, और आज देश के कोने कोने से लोग आए थे, बेंगलोर से सर आए थे, बेलगाम से, और ऐसे पुणे से और महाराष्ट्र के कोने कोने से, नेपाल से लोग आए थे, बहुत अलग अलग स्टेट से लोग आए थे, तो अच्छा ग्रैंड सक्सेस रहा और अच्छा लगा, और ये 3-4 महीने की मेहनत होती है तब जाके आज एक सक्सेसफुल इवेंट कर पाते हैं। अब मैं चाहूँगा कि प्रवीण जी कुछ कहें अपने बारे में और हमारे बारे में। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो सब सेलिब्रिटी आए, लेकिन सेलिब्रिटी के साथ वही कहते हैं ना, एक साधना करना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, जो साधक जो होते हैं उनको ढूंढना बहुत साधना है, और हम कहाँ हैं कर्नाटक में, और अखिलेश भाई हमें ढूंढते हुए, टैलेंटेड को ढूंढते हुए आना, कैमरा के सामने सब लोग नहीं आ सकते, जो अच्छा एक्टर है वो आ सकते हैं, लेकिन हम सोशल वर्क, हमारे सोशल वर्क को हमें सब पहचान के देश के कोने कोने से लोग उनको ला के ये अवार्ड प्रदान करना, और ये सब ऐसे हमारे टैलेंटेड को आगे आना, ये हमें हौसला दिलाता है, इट रियली मीन्स लॉट एंड आई रियली वॉन्टेड टू थैंक माई अखिलेश भाई ऑन द बिहाफ ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल that I am holding a national president post in an anti-corruption cell, that he has given us the chance to proceed ahead, and ye sab dekh ke hame aisa lagta hai abe aur abe aage jana hai, still we have to go ahead and bahut acha social work karna hai, kyunki cine industry logo ko utna hi nahi, sare activities ko, sare logo ko inhone pehchan ke ye award diya hai, main dhanyawad karna hoga Aklesh bhai ji ka aur sare cinema industry walon ko, jo logo ko humne parde mein dekha tha, आज अखिलेश भाई की वजह से आज लाइव हमने देखा, इसलिए परमेश्वर उनके साथ रहे, सबको आशीषित करे और अखिलेश भाई को और ऐसे करे, और ये सिर्फ नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा कार्यक्रम अगली बार मलेशिया और दुबई में होगा, क्योंकि ये हम आगे ले जाने वाले, अखिलेश भाई को, ये टैलेंट को हम आगे ले जाने वाले और इंटरनेशनल अवार्ड इसको बनाने वाले, थैंक यू सो मच अखिलेश भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू, और ये दादा साहेब पालके अवार्ड हमें मिला है और आई का अवार्ड मिला है, इसलिए मैं धन्यवाद करूँगा, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नहीं, प्रोफाइल आती है लोगों का, जैसे ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, टीम है हमारी जो चयन करती है, जैसे प्रोफाइल आएगी, अभी जैसे सर का प्रोफाइल आया था हमारे पास, तो हमने सब सर्च किया, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन में काम कर रहे, तो इनको सब, मुझे मेरा सौभाग्य है कि मैं इनको कर पाया, फेलिशिट कर पाया, बुला पाया, यहाँ इनको फेलिशिट कर पाया, और आप आए सर, इन्होंने समय निकाल के आए, तो ये तो बड़ी बात है ना, नहीं तो आजकल कहाँ किसी के पास समय है ना, बोले नहीं 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 सर ठीक है, मैं देखता हूँ बाद में, या बाद में बात करता हूँ करके, लोग आते हैं, तो यही है कि वो प्रक्रिया है, एक कमेटी है हमारी, वो सेलेक्ट करती है, प्रोफाइल सेलेक्ट करने के बाद फिर हम उनको इन्फॉर्म करते हैं बाई मेल वगैरह, फिर उनका उनका सिलेक्शन इस तरीके से होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आइए सुमन जी, थैंक यू। बहुत अच्छा था, सबसे पहले मैं सर को धन्यवाद करना चाहूँगी, इनकी पूरी टीम वर्क को धन्यवाद करना चाहूँगी, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज था, सबसे मिलने का मौका मिला, सही कहा उन्होंने कि जिनको हमने पर्दे पे देखा था आज रूबरू देखा, तो बहुत अच्छा लगा, एंड माय ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद द सर। मैंने सर को एक गिफ्ट भी दिया है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा न्यूमरोलॉजी का है और
ये जो चीज़ें हैं जैसे मैंने सर को भी दी हैं, सबको बता देती हूँ जो भी देखेंगे, इसमें लौंग है और तज का पत्ता है, वो रखने से पैसा बढ़ता है पैसे के अंदर रखेंगे तो। और ये जो ब्रेसलेट्स हैं ये आपकी नेगेटिविटी को दूर रखता है। तो मैं लाई थी कुछ सैंपल पीसेस देने के लिए और मैंने दिए हैं। और एनर्जी कार्ड्स मैंने सबको दिया है जिससे पॉजिटिविटी आती है इस तरह के। एंड अगेन मैं सबका धन्यवाद करूंगी कि जो इन्होंने सबका टैलेंट इन्होंने चुना है और सबको यहाँ पे एक स्टेज पे लाके रखा है। सो वंस अगेन अखिलेश सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं भी कहना चाहूँगा सुमन जी को, हमारे तकरीबन काफ़ी दिनों से जान पहचान है और जब से मैं इनके संपर्क में आया हूँ तब से मैं आगे ही बढ़ते जा रहा हूँ। और जो इन्होंने पद्धति बताई थी काम करने की, बरकत जो बताई थी वो मैंने फॉलोअप किया, तो आज देख रहे हो कि थोड़ी सी मेरे में मतलब थोड़ी सी दो कदम हम आगे बढ़े हैं। तो थैंक यू सुमन जी एक बार फिर से, और ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रहिए। थैंक यू सो मच। बस थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अवार्ड मुझे मिला है मोस्ट लव्ड टीचर ऑफ द ईयर के लिए। एंड मोस्ट लव्ड टीचर का अवार्ड मैं डेडिकेट करती हूँ मेरे सब स्टूडेंट्स को, और ये अवार्ड के लायक मुझे समझा अखिलेश सर ने। और यहाँ इतने बड़े मंच पे हम आ पाए आज इतने बड़े मीडिया न्यूज़ चैनल के सामने। सो मेरा छोटा सा परिचय, मैं कविता खेमका हूँ, मैं IPM IMU जैसी ओलंपियड एग्ज़ाम्स के लिए बच्चों को ट्रेन करती हूँ। पॉलिटिशियंस सेलिब्रिटीज़ के बच्चों को भी मैं सिखाती हूँ, काफ़ी सारे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट हैं और यहाँ आकर काफ़ी गौरवान्वित महसूस हो रहा है। एक और जितेंद्र गोस्वामी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा और मेरे प्रिया प्रजापति जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। वो धन्यवाद किस लिए? अरे ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, ये मेरे दोनों बैकबोन है और तो मेरे फाइटर प्लेन है ये। इन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया, जिसके कारण आज ये रॉकिंग हुआ हमारा इवेंट। तो उसके लिए जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रिया का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर शायद ये दोनों नहीं होते तो शायद मैं आज इतना सक्सेस इवेंट नहीं कर पाता। प्रिया बहुत 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 शुभेच्छा दूंगा और हम लोग आगे भी जुड़े रहेंगे, साथ में काम करेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे प्रिया? हाँ, सबसे पहले मैं सर को थैंक्स कहना चाहूँगी कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया मॉडल्स को अपने, क्या कहते हैं, जो भी है दिखाने के लिए कि हाँ भी टैलेंट है सबके अंदर। अवार्ड टैलेंट के बेस पर सबको देना, दादा साहेब फाल्के आएगा, बहुत बड़ा अवार्ड है, तो इतने बड़े स्टेज पर मिलना एक बहुत बड़ी बात है, तो मैं इसके लिए थैंक्स कहना चाहूँगी। थैंक यू। जीतू जी कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अखिलेश जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अचीवमेंट दी कि हाँ मैं उनके साथ ऐसे डिजिटल मीडिया पार्टनर काम कर सकता हूँ। और मैंने अपना 100% दिया और उसका रिजल्ट भी दिखा। अखिलेश जी ने अभी जो बोला उसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे ये नेचुरल डायमंड ज्वेलरी के लिए अवार्ड मिला है। सो वी आर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ नेचुरल डायमंड ज्वेलरी और हमारी एक्सपर्टी है लाइट वेट ज्वेलरी। एंड थैंक यू अखिलेश जी, हमको अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ पे आके इतना अच्छा और बड़ा अवार्ड जीत सकें। थैंक यू सो मच। हाँ, तो हम अखिलेश जी से बहुत सालों से जानते हैं एंड ही नोज अबाउट अवर ज्वेलरी प्रोडक्ट। और किसी को भी ज्वेलरी डिज़ाइनिंग लेने हैं, हमारे कंपनी का नाम है H&M डिज़ाइन, सो प्लीज़ कॉन्टेक्ट कीजिए हमको। ये हमारी तीन देवियाँ हैं, हाँ मानसी जी, कविता जी और सुमन जी। ये बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। और मेरे जीवन में जब से इन लोग जुड़े हुए हैं तब से कुछ ना कुछ हमारी तरक्की हुई है। तो इसलिए मैं भी चाहूँगा कि डायमंड से रिलेटेड अगर किसी को कुछ ज़रूरत है, हेल्प है, तो आप इनको मानसी जी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे बेनिफिट, बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे चीज़ें मिलेगी आपको एक प्लेटफॉर्म, एक छत के नीचे। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग इनको लव इसी तरह जैसे सपोर्ट कर रहे हैं मानसी जी, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।